वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 10 जो है सर्कल, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एबीसीडी को इक्वाइलेटरल है, उसके एबीसीडी एंगल के बाइसेक्टर्स के द्वारा जो बनी हुई इक्वाइलेटरल है, बताइए क्या वो एक साइक्लिक है। तो साइक्लिक कैसे प्रूव की जाएगी स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखिए जो भी हमें प्रूव करना है ना, वो साइक्लिक ई एच जी एफ क्या है, साइक्लिक प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, इसके अंदर E प्लस जी और F प्लस एच, इसको आप 180 दिखा दीजिए, यानी अपोजिट एंगल्स का सम 180 दिखा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम दे दिया हमने एंगल्स का। अब हम प्रूफ के अंदर देखना स्टूडेंट्स, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360, अंडरस्टैंड। नाउ डिवाइड टू बोथ साइड, तो हाफ ऑफ ए हो जाएगा हमारा एंगल 2, हाफ ऑफ बी हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, हम देखिए बी ये है, तो यहां पर एंगल ए का आप क्या लिया जाएगा 7, एंगल बी का आप लीजिए आप 2, ठीक है, और सी का आप लीजिए एंगल 3 और डी का आप लीजिए एंगल 6 इक्वल टू 180। देखिए ले तो आप दूसरे भी सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर आपको ये ट्रायंगल सिलेक्ट करनी। अब मैं इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो अब इसके अंदर देखना, मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, इस ट्रायंगल के अंदर बी एफ सी, इन ट्रायंगल बी एफ सी एंगल 2 प्लस एफ प्लस 3, सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। सिमिलरली इस एंगल के एंगल 6 प्लस 7 प्लस एच इज इक्वल टू 360 हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 180 इस एंगल का 180 उस एंगल का, तो 1 2 3 4 ये 4 एंगल्स देखिए 7 2 3 6, इनकी जगह 180 रखेंगे तो एफ प्लस एच आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इनकी जगह 180 रख दिया तो 180 उधर जाकर माइनस 360 माइनस 180 एफ प्लस एच आ जाएगा। मैंने आपको बताया था एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180, आप यदि प्रूव कर देते थे ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके अंदर देखना स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका एडी एंड एसी क्या है, टू डायमीटर्स है और प्रूव करना है डीबीसी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो हमने कंस्ट्रक्शन में ये लाइन ले ली स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि ये डायमीटर है, तो इसका मतलब ये सेमी सर्कल में बनी हुई ट्रायंगल है, तो ये एंगल 180 हो जाएगा, इधर से इस ट्रायंगल में डायमीटर है सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल, ये भी 90, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180, तो 180 हो गया तो लीनियर पेयर है, इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, यदि स्ट्रेट लाइन गिवन है तो सम 180 होता है। अब हमने टू एंगल 90-90 दिखा के और एक लाइन के ऊपर जो एक तरफ के एंगल है उनका सम 180 दिखा दिया, तो क्या हो जाएगी हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी स्टूडेंट्स। इसके बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसके अंदर एंगल डीबीसी या बीडीसी जो भी है 55 डिग्री दे दिया, 55, और बी ए सी, बी ए सी एंगल दे दिया 45। स्टूडेंट्स देखिए अब जितना एंगल ये है ना उतना ये होगा, क्यों, एंगल ऑन सेम आर्क 55 हो गया स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। इसके बाद जितना हमारा ये है ना 45 उतना ये हो जाएगा हमारा 45, एंगल ऑन सेम आर्क, सेम आर्क पे इक्वल एंगल बनते हैं स्टूडेंट्स। तो अब इसके अंदर देखना कि ये दोनों एंगल हमें पता है, तो अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है स्टूडेंट, हमें निकालना बी सी डी, तो बी सी डी ये पूरा एंगल यही तो निकालना है, हो गया ये तो आसानी से, क्या अपोजिट सम्स क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का 180, तो 45 प्लस 55 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू
180, देन एंगल सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 100, कितना हो जाएगा 100, तो उधर जाकर माइनस 80 डिग्री आ जाएगा एंगल। स्टूडेंट्स कौन सा सी यानी कि बी सी, डी एंगल कितना आ जाएगा हमारा 80 डिग्री का आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके अंदर देखना सी डी ए कोर्ड गिवन है जो कि रेडियस के इक्वल है, तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूं। अब इक्वल होने का मतलब ये तो बोथ आर रेडियस एंड दिस इज कोर्ड, इफ थ्री साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल इज 60 डिग्री, ईच एंगल इज 60 डिग्री स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या होगा, मैं इसको ज्वाइन करता हूं, ठीक है। अब ये देखिए ये डायमीटर है तो सेमी सर्कल में बना हुआ, एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा। तो इसमें से 90 में से ऊपर का पोर्शन यदि 60 है तो ये हमारा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं ईस्ट एंगल की, यदि ये इतना 90 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखना ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है और ये आर्क पे बना हुआ एंगल है, कहां से सेम पॉइंट से देखिए अच्छे से, तो सेंटर से आप होता है यहां पे 30। अब क्या हो जाएगा ट्रायंगल ई सी बी के अंदर देखना, एंगल ई प्लस ये जो सी है वो 90 डिग्री है स्टूडेंट्स और बी है वो 30 डिग्री है, इज इक्वल टू 180, एंगल ई इज इक्वल टू 180 और ये उधर जाकर माइनस 120, देन एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स। हैंस प्रूफ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।